आज हम घूमेंगे वेनिस का शहर। इसके बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं कि ये यहाँ लाइक पूरा शहर पानी में ही है, ये यहाँ पे कोई बस नहीं चलती, क्यों नहीं चलती, और ये पहले इटली का पार्ट नहीं था फिर बन गया। पानी काफ़ी गंदा लग रहा है मेरे को यहाँ, तो बदबू सी भी आ रही है। विल टॉक ऑल अबाउट दैट इन दिस वीडियो। और पूरा शहर घूमेंगे हम आज का दिन, सो स्टे ट्यून्ड। बहुत सारे यहाँ मिल जाएंगे लो जी आ गए वेनिस में। यहाँ तो धुंध हो रखी है बहुत। हाँ जी, तो स्वागत है आपका वेनिस में। और ये एक ऐसा शहर है जिसमें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सिर्फ बोट्स ही हैं, क्योंकि यहाँ पर सड़कें हैं ही नहीं, तो सब कुछ बोट में ही चलता है। हॉस्पिटल की एम्बुलेंस है वो भी बोट में है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सारा बोट में है। तो अभी हमें जब जाना है हॉस्टल तो हमें बोट में ही जाना पड़ेगा। और बोट का शायद पता चला है मेरे को कि 20 यूरो का दिन का पास है, तो स्विट्जरलैंड टाइप होगा यार ये तो, एक दिन का पास 20 यूरो नहीं। तो ये भाई स्टेशन के बाहर निकले और सामने ही बोटे ही बोटे। ये देखो यार, हमें जो अपनी मिलेगी वो तो वहाँ मिलेगी पब्लिक वाली। वैसे टैक्सीज भी होती हैं, ये पानी, ये वाटर टैक्सी। तो बंदा पूछा था हमें कि वाटर टैक्सी लेनी है क्या। वैसे शानदार टैक्सी लेनी है, तो ये ले ली हमने टिकट। बड़ा दुख लगा देते हुए 20 यूरो, बट अब लेनी पड़नी थी। तो साडा बजट हिल गया सी साडा बजट हिल गया तो ठीक है, अभी यहाँ पे आएगी हमारी गड्डी, यहाँ नहीं आएगी बोट, कहाँ आएगी आगे। और तो 4.1 रूट लिखा है इस पे कोई रूट नहीं लिखा हुआ यार। ठंड बड़ी लग रही ना यहाँ पे, 4 डिग्री है तो। डॉक्टर कहाँ ले आया डॉक्टर तू मेरे को, ऐसा शहर देखा है कभी? आज का शायद दिन अच्छा नहीं है। फिर अभी क्या हो गया कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉग की वजह से जो हमारा रूट था जिस पे जाना था वो कैंसिल हो गया, तो दूसरे जगह ढूंढने आए हम, वहाँ भी सब यही लिखा है कैंसिल हो गया। अब वाईफाई ढूंढते हैं कोई और देखते हैं कि और कोई और रास्ता है कि नहीं। अब हमने पास भी ले लिया है, होटल हॉस्टल का भी पेमेंट कर लिया है, तो और पता नहीं कैसे पहुँचेंगे। यहाँ तो चल भी नहीं सकते कि जैसे वहाँ था मिलान में कि चल के पहुँच गए, यहाँ तो चल भी नहीं सकते। पता नहीं क्या होगा, अभी देखते हैं। हमारा ट्रेसेज यहाँ पे था, तो यहाँ पे उतरे थे हम। और ये है हमारा हॉस्टल, तो हमारी बोट इधर से घूम के इसमें से जाएगी। तो अभी उतर गए हम, ये हमारा स्टॉप था, इधर को जाना है अब। ये आजकल सुन रहा है मन की तौलक को, दो रफला वही गा रहा है सुबह से। तो यहाँ से 200 मीटर है, चलो। हॉस्टल का नाम है जनरेटर हॉस्टल, ठंडे ठंडे ये लिखा है जनरेटर। वाइब तो अच्छी है यहाँ पे। हम्म,
भाई ये है हमारा हॉस्टल, चला गया तो ये लॉकर है हमारा और ये हमारा हॉस्टल है। पर यार क्या है ये, मतलब ऐसे अपनी तिजोरी लॉक कर दी है। हाँ तिजोरी, इसमें क्या होता है जैसे ये नीचे लॉकर बड़े ना तो लॉक साथ लेके आओगे तो सही रहेगा, नहीं तो यहाँ पे आपको पैसे देने पड़ेंगे लॉक के भी। देखिए दोनों बेड तो अपने ही हो गए, इस पे कोई नहीं है अभी भी, इस पे भी कोई नहीं है, इस पे भी कोई नहीं है अभी। तो ये देखो ये है मतलब रास्ता, ये इधर वॉशरूम है। अच्छा है नहाने का, ये वो यहाँ पे तैयार व्यार होने का वो मेन गेट है। तो हमारे पास उसने दो कीज दी है, जैसे वही सेम ऐसी वाली कीज दी है। पकड़िए एक मिनट। अच्छा तो मतलब ये पर ये जो बेड है ना बहुत कंजेस्टेड सा है यार, क्या है ये। तो लेकिन अब ये वाला जो हमें मिला है हॉस्टल, ये मिला है हमें 20 यूरो। अब लेकिन कल का अवेलेबल है, लेकिन इसका प्राइस है 50 सबसे सस्ती वाली का है, इसका और भी ज्यादा है। इसका 60 यूरो है भाई कल का, कल न्यू ईयर्स ईव है और कोई भी नहीं, खाली पड़े होंगे बेड। और मैंने पूछा भी, मैंने कहा भाई तुम्हारा खाली पड़ा है तो भी तुम प्राइस नहीं कम करोगे, कह रहे नहीं करेंगे। तो कल नहीं भाई, 60 यूरो नहीं दे सकते इसका, उससे अच्छा होटल ले लेंगे। चलो अभी खाना खाने चलते, शुरू करने थे। तो यहाँ पे दुकान थी, वहाँ पे पिज्जा मिलता है स्लाइस से, तो 3 यूरो का एक स्लाइस है, हमने 3 स्लाइस ले लिए। इससे पेट भरना पड़ेगा डॉक्टर साहब। यहाँ पे इंडियन खाना नहीं मिलेगा आपको? मिलेगा, वेनिस में होगा पक्का, लेकिन यहाँ नहीं होगा ना, इस आइलैंड पे खाना पड़ रहा है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द पंजाबी 100 यूट्यूब चैनल। व्लॉग तो पहले ही शुरू कर चुके थे हम। ये है हमारा हॉस्टल जहाँ पे हम कल रात को रुके थे, और अभी हमें वेनिस शहर में, आज डेट हो रही है 31st of December 2021, सो लास्ट दिन है इस साल का। आज हम घूमेंगे वेनिस का शहर, इसके बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं कि ये यहाँ लाइक पूरा शहर पानी में ही है, ये यहाँ पे कोई बस नहीं चलती, क्यों नहीं चलती, और ये पहले इटली का पार्ट नहीं था, फिर बन गया, फिर ऑस्ट्रिया के पास चला गया। तो लाइक बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, आई विल टॉक ऑल अबाउट दैट इन दिस वीडियो। और पूरा शहर घूमेंगे हम आज का दिन, सो स्टे ट्यून्ड। तो ये देखो ये स्टेशन, और अभी हम बोट की वेट कर रहे हैं। तो जैसे ये है टिकट वाला सीन, तो हमने टिकट कल ले ली थी हमने दिन का पास ले लिया, लिखा ना टिकट 24 आवर्स, तो जितनी बार मर्जी टैप कर लो, कोई सीन नहीं है। तो अभी बोट आएगी यहीं पे। अरे और इसमें एक सिस्टम और मैंने नोटिस किया, देख। हाँ। टिकट ये मेरे को भी दियो वीडियो, ये नहीं दूंगा। टिकट पे लिखा है 1951। हाँ। हमने इस टाइम टिकट ली थी, ठीक है। हाँ। पर हमने पहली बार टैप 8-10 मिनट बाद करी थी, याद है तेरे को? हाँ। हम गए थे कहीं टैप, देख अब यहाँ टाइम क्या लिखा आएगा, यहाँ तक वैलिड, मतलब ले कभी भी लो, टैप जब आप पहली बार करोगे तब से वैलिड होगी। ठीक है, 20 यूरो की इन्वेस्टमेंट है ये, आज हम पूरे नाप देंगे पूरा वेनिस। अरे भाई बोट में घूमना है, बोट में घूमना, चलना ही नहीं है पैदल। ये देखो यहाँ पे कितना सही सिस्टम है, वहाँ से लोग निकल जाते हैं बाहर, और जिनको घुसना है वो यहाँ वेट कर रहे हैं, ये नहीं कि निकलने से पहले ही घुस जाएंगे। इधर जाना है अब हमें, लो जी आ गए हम इस पार। तो ये है, ये इनका मेन एरिया इधर पूरा, ये देखो जैसे वो ब्रिजेस हैं और बोट हैं, बस यही दो रास्ते हैं, पैदल चल के या फिर बोट में, कोई और जरिया नहीं है यहाँ पे घूमने का। चलो पहले खाने की जगह ढूंढते हैं कोई, है आप पहले खाना खाना है। चलो यही डाल दूंगा। तो ये होता है यहाँ पे गंडोला, इनका है 80 यूरो। यहाँ पे और भी बहुत सारे खड़े हैं, ये रहे। तो भाई 80 यूरो तो नहीं है हमारे पास, और ये तो फिर वही सीन है कि बीवी गर्लफ्रेंड के साथ आओगे तो ही करोगे, मैं तो इसके साथ घूम रहा हूँ। ये आ गया इनका मेन स्क्वायर, सुंदर तो लग रहा है, क्रिसमस विसमस वाइब्स, क्रिसमस तो निकल गई, अब न्यू ईयर है।
ये देखिए यहाँ पे ये लाइन लगी हुई है पूरी एंट्री के लिए। तो हम ये एंट्री बाद में करेंगे, पहले खाना खाएंगे। यहाँ पे ऐसी ही है जैसे गली है, लेकिन ये दरवाजा लग गया और ये ऊपर घर है, फिर पूरा गली बंद। इधर ये गली चल रही है। अरे हाँ, मास्क ये देखा था हमने एक वीडियो में, सिटी ऑफ मास्क बोलते हैं इसको, बिकॉज यहाँ पे कुछ मतलब फंक्शन वो होते हैं, कार्निवल वार्निवल होते होंगे, उसमें मास्क पहनते होंगे बहुत सारे लोग। मतलब यहाँ पे आके मेरे को लग रहा है जैसे कश्मीर में डल लेक वाला सीन है। पानी इतना साफ नहीं लग रहा है यहाँ पे, और जैसे डल लेक वाले अंदर वाले इलाके हैं ऐसे अपने शिकारे होते हैं और घर होते हैं बाजू में। चलिए पहले पिज़्ज़ा खाते हैं। तो वही हुआ, कल हमने खाया था 3 यूरो का स्लाइस था, तो स्लाइस काफ़ी सही था। यहाँ तो ये छोटू सा दिया है, पर चलो इन दोनों का उसको मला के मान सकते। हाँ जी, तो अब हमने खा लिया पिज़्ज़ा, तो थोड़ी सी अब एनर्जी आ गई है। सुबह से तो कुछ खाया नहीं था। तो ये जो शहर है, इधर चलेंगे किस गली में? चल। तो ये जो शहर है ये थोड़ा सा फ्लड प्रोन शहर है। 2019 में भी यहाँ पे फ्लड आ गया था, तो 80% जो है ये पूरा शहर पानी में डूब गया था। तो भाई ये फ्लड प्रोन शहर है, तो यहाँ पे लोग बसे क्यों पहली बात आके? तो सबसे पहले जो लोग यहाँ पे आए थे वो बचते बचाते रेफ्यूजीज थे, सॉर्ट ऑफ। वो कोई ना कोई अटैक कर रहा था उन पर इधर उधर से, तो बचते बचाते लोग कुछ यहाँ पर आके बस गए। तो तब शुरू में ये जो वेनिस था ये मतलब इंडिपेंडेंट था, इनका खुद का एक खुद का कंट्री था। फिर इसको इटली ने जीत लिया, फिर इटली ने ऑस्ट्रिया को फिर इटली ने दे दिया ऑस्ट्रिया को, फिर ऑस्ट्रिया से वापस ले लिया, फिर कुछ टाइम के लिए इनका खुद का फिर से गवर्नमेंट आ गई, लेकिन इवेंचुअली अब ये इटली में ही है। तो और भी बहुत सारे चीज़ें हैं, बातें करेंगे, थोड़ा सा घूमते हैं, और साथ साथ में आई कीप टेलिंग द फैक्ट्स। आप सोच रहे होंगे कि यार अगर यहाँ पे फ्लड्स आते हैं तो क्या जो सरकार है यहाँ की कुछ नहीं कर रही क्या उसके बारे में? तो यहाँ की सरकार ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था कि भाई हम जो सही है, तो यहाँ की सरकार ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट, कि पानी को हम बाहर ही रोक लेंगे, डैम वैम बना लेंगे। लेकिन उसमें बहुत सारी करप्शन हुई और अभी तक आज तक वो पूरा नहीं हुआ। तो जब 2019 में भी बाढ़ आई थी तो यहाँ के सरकार ने जो मेयर था उसने बोला था कि नहीं नहीं हम पूरा करेंगे बहुत जल्द, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ। ये यहाँ की सब्जी मंडी लगी हुई है, क्या रेट है भाई? 2.5 यूरो किलो का, 1.5 यूरो किलो का। आगे भी है मार्केट पूरी, काफी बड़ी सब्जी मंडी लग रही मेरे को ये, है ना? आजादपुर मंडी, आजादपुर मंडी। ओ भाई बड़ी है ये तो। तो यहाँ आने से पहले मुझे ये बोल रहा था वो कि चलते हैं वेनिस, चलते हैं वेनिस। मैं बोला था नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, कि ठीक है कैनाल है, देख रखा है, एम्स्टर्डम 2 बार गया हूँ, लेकिन ये अलग है। यहाँ पे
कुछ और है ही नहीं, बस कैनाल दिए हैं, आपको पैदल चलना पड़ेगा और बोट में जाना पड़ेगा। साइकिल वाइकिल वाला सिस्टम नहीं जैसे एम्स्टरडम में है, मतलब वहाँ तो गाड़ियाँ भी चल जाती हैं, बाइक भी चल जाती है, यहाँ पे नहीं है कुछ भी। बट यहाँ का जो एयर क्वालिटी है वो काफ़ी ख़राब है, मतलब दिख रहा है हमें, और हमने कल देखा भी था इंटरनेट में भी कि एयर क्वालिटी यहाँ का काफ़ी ख़राब है। तो देखिए ये है गलियाँ, और इधर है शायद रास्ता, जाके देखते हैं। अरे ये घर हैं लोगों के इधर तंग तंग गलियों में, मुझे वही डल लेक वाली फील आ रही है, श्रीनगर वाली। तो भाई ये देखो, ये हमारा हॉस्टल था, जनरेटर हॉस्टल कहाँ गया भाई, ये रहा, ये हॉस्टल था। हॉस्टल से फिर हमने यहाँ से बोट ली थी, ये वाले स्टेशन से बोट लेके हम यहाँ पे आए थे। फिर हम ये वो चर्चे वर्चे जो थी वो यहीं पे थी, और इसके बाद हम गए ये वाला पुल देखा था हमने, वाइट वाला, ये क्रॉस किया। अब हम यहाँ पे कहीं घूम रहे हैं, अब हमें ये वाला पुल लेके इधर जाना है, फिर ये पुल लेके यहाँ से हमें यहाँ से बोट मिलेगी मुरानो बुरानो की। सुनने में आया कि मुरानो बुरानो काफ़ी सुंदर है, ये तो अलग है। तो यहाँ से हमारा जो जो लिया हमने 20 यूरो वाला पास, वो काम चल जाएगा उससे, चले। बाकी यार ये पानी काफ़ी गंदा लग रहा है मेरे को, यहाँ तो बदबू सी भी आ रही है। तो लोगों की अपनी अपनी, जैसे ये बोट है, ये घर है, तो वहीं बोट है, बोट में ही आगे जाएंगे जहाँ भी जाएंगे, वो सबकी अपनी अपनी बोट होती है। थोड़े पुराना लग रहा है ये घर, पुराना इलाका। और ये देखिए कपड़े डाले हैं सूखने, ये देखिए टावल डाला हुआ है सूखने, तो ये कपड़े पता नहीं कैसे, जो भी होता होगा रस्सी वस्सी खींच लेते होंगे। तो यहाँ से पुली डाल के ये डाली है, और फिर उधर है, तो उसको खींच लेते होंगे वहाँ से। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे लोग नहीं जा रहे हैं जिन रास्तों में, उन रास्तों में जाने की। अब वो सामने लिखा तो हुआ है कि, पर वो गेट पे लिखा है शायद कि नहीं एंटर, इधर को रास्ता मुड़ जाता है शायद। हाँ है रास्ता, इधर भी है, इधर भी है। तो ये देखिए जो झंडा है ऊपर, वो झंडा है वेनिस का, मतलब अब तो चलो इटली में है ये, लेकिन जब ये होता था अपना देश तो वो है झंडा। यार मज़ेदार तो है, मतलब अलग फील, पूरी इटालियन वाइब वो वाली फील तो है, नो डाउट। और छोटा सा शहर है, आप आराम से, मतलब अगर आपने स्टे कर लेना फिगर आउट अपना, वो स्टे सस्ता मिल जाता है, तो ये जगह वर्थ इट है। आराम से घूमिए, एक दिन का पास लीजिए 20 यूरो वाला, और घूमते रहिए सारा दिन। तो मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे सबसे पहले तो फिशरमैन लोग जो इधर से बाघ बुक के आए थे वही लोग बसते थे यहाँ पे। तो ग्रोथ कैसे हुई इस शहर की, ग्रोथ ऐसे हुई क्योंकि इसकी लोकेशन अच्छी है, तो मर्चेंट्स के लिए इट वाज एन इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन। लेकिन फिर वास्को डी गामा ने रास्ता निकाल लिया इंडिया का, थोड़ी वैल्यू कम होगी इसकी। और प्लस वही कॉन्स्टेंटिनोपल वाली कहानी, इस्तांबुल वाली, तो जब ऑटोमन एम्पायर आ गया तो ये साथ दे रहे थे रोमन्स का, तो उन्होंने जो सुल्तान महमद ने इनकी भी रेल लगा दी, तो तब थोड़ा सा इनका फॉल शुरू हुआ, लेकिन इवेंचुअली फिर से दोबारा ये स्ट्रांग हो गए थे। ये देखिए कितना मस्त है घर, बाहर उतरे और यहाँ पे आपकी बोट आके पार्क हो जाएगी और निकल लिया आप। तो अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ पे स्टेशन पे, यहाँ से हमें बोट मिल जाएगी बुरानो और मुरानो की। और मैंने अभी देखा कि जो एयरपोर्ट का नाम है यहाँ का, जो जो यहाँ पे एयरपोर्ट है उसका नाम है मार्को पोलो। तो मार्को पोलो, मेरे को याद आया कि अरे यार मार्को पोलो तो वेनिस से ही था। तो मार्को पोलो इनको नहीं पता, मतलब मैंने वो सीरीज़ देखी है पूरी, वो सही में लाइक एक्सप्लोरर था वो, एक सो ही वॉज द फर्स्ट मतलब वेस्टर्न जिसने की डॉक्यूमेंट किया था एशियन लाइफस्टाइल जो भी था। तो वो मंगोलिया रहा था और वो सब घुमा था उसने, और उसने पूरा बुक वुक लिखी थी कि कैसे रहते हैं लोग उधर। तो यार मार्को पोलो वेनिस से ही था। ये आ गई हमारी बोट मुरानो के लिए, बिल्कुल टाइम पे आई है। चलो भाई किस टाइम था, भाई यूरोप में कुछ फ्री मिल जाए ना, मतलब यकीन नहीं होता। ये लिखा है फ्री एंट्रेंस, और ये ग्लास फैक्ट्री है, तो मुरानो जो है फेमस है ग्लास फैक्ट्रीज के लिए,
तो आइए चलते हैं इसके अंदर। तो इसमें ना जब घुसे अंदर ग्लास फैक्ट्री में, तो नवांकुर के पास वही वाला मास्क है जो तो होता है ना बिल्कुल ही गरीबों वाला, सर्जिकल मास्क जिसको बोलते हैं, तो इसने बाहर निकाल दिया, बोले नहीं ये वाला मास्क पहन के आओगे तो ये अलाउड है। तो कुछ कुछ जगह पे पंगे कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। एनीवे तो मुरानो ग्लास, मैंने जाके पूछा कि भाई स्पेशलिटी क्या है इस ग्लास की, तो बोली कि इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अलग होते हैं। तो मैंने कहा भाई सिलिका से नहीं बनता क्या ये ग्लास, बोली सिलिका से बनता है लेकिन सिलिका इज़ लाइक 70%, बाकी 30% बोली अलग होता है। बोली कि 3500 कलर्स हैं इनके पास, और बोली कि बहुत स्ट्रांग होता है। तो उसने कोई उसके पास था ग्लास भी, तो उसने मार के दिखाया, जोर से नहीं टूटा, तो मेरे को तो पसंद था ही नहीं। बोले कि यहाँ ट्रेडिशनल मतलब बहुत सेंचुरी से चल रहा है ये काम यहाँ पे ग्लास का, तो बोले कि हम तो ट्रेडिशनल शेप्स बनाते हैं, मॉडर्न भी बनाते हैं लेकिन यहाँ पे भी ट्रेडिशनल शेप्स ही थी। मैंने बोला वीडियो बना लूँ, तो बोली कि थोड़ी सी बनाना, ज़्यादा मत बनाना, तो इसलिए मैं बाहर आ गया। अभी अभी चलें बुरानो बनाना, ज़्यादा मत बनाना। हाँ कह रही थोड़ी सी बना लो, ठीक है। तो अभी चले फिर बुरानो। बुरानो की लाइन बहुत लंबी लगी थी, पर बुरानो सुना है मैंने, सुंदर है। चले क्या करना है ना, ये आज मरा हुआ है, इसको थोड़ी सी कुछ पिलानी पड़ेगी, कॉफ़ी शॉपी पिलानी पड़ेगी, कॉफ़ी शॉपी के पैक शेक लाना। तो तुम लगाते नहीं ना पैक शेक। चल तो ये हमारी कैफे लाते, तो लाते इटालियन में होता दूध, तो ये पता नहीं मुझे पहली बार कैफे लाते ग्लास में मिली है। हॉट कॉफी है, कोल्ड कॉफी नहीं है। ये हमारी इस बोट में जाना है लेकिन अभी बहुत भीड़ है, तो ये जाने देते हैं, कॉफी पियेंगे फिर जाएंगे। पर माहौल तो अच्छा है यहाँ पे। डॉक्टर को अलग ही आलस हो रहा है आज, पता नहीं। हम बोट में बैठे, उसने बोला कि सैंड मार्को नहीं जाएगी ये, जो कि हमारा स्टेशन है, उसके सामने हमारा हॉस्टल है। डॉक्टर बोलता है नहीं कोई बात नहीं, आज तो बैठ बोट में पूरे पैसे वसूल देंगे, 20 जो यूरो हमने खर्च करे हैं। तो पता नहीं कहाँ पे ला के उतार दिया है उसने। बोली लास्ट फिनिश, यहाँ से आगे नहीं जाएगी। तो यहाँ से हम मैप में देखते हैं, टाइम टेबल पूरा लिखा होता है कौन सी बोट कहाँ जाएगी, कितने बजे जाएगी, पर इनका पता नहीं क्या है, कभी कैंसिल कर देंगे कभी। हाँ जैसे जिस तरह से कल तक कल फॉग के कारण कैंसिल कर दिया था, आज फिर हम भी कहते हैं कि हम 20 यूरो की जगह 15 ही देंगे, ये क्या मतलब है, हमने भी तो पूरा दिए हैं। चलिए घूमते हैं इसके अंदर, क्या है ये भूत बंगला सा। डॉक्टर यार मेरे को तो बहुत भूतिया फील आ रही है यहाँ पे, तेरे को आ रही है क्या? रात को, रात को अभी भी तो लग रहा है भूत ऐसा, क्या है ये? पर ठंड बड़ी अजीब सी हो रही है यार यहाँ पे, बहुत तेज लग रही है ना। भाई ऐसे बोलते हैं जब भूत होते हैं तो ठंड लगती है ना जिन। आप कमेंट करो आप में से कितनों ने भूत देखा है। हाँ, और बताओ कहानियां। मतलब मेरे काफी ऐसे दोस्त हैं जो सुनाते हैं कहानियां कि हमने जिन देखा, हमने भूत देखा, तो हमने नहीं देखा कभी भी, क्या पता आज दिख जाए कैमरे पे। तो भाई आगे नो एंट्री है, हम वापस चलते हैं। तो जैसे आप देख ही रहे हैं कि इतनी सारी धुंध पड़ी हुई है, इसके चक्कर में ही हम बुरानो गए नहीं। आज बहुत आलसी है डॉक्टर, पता नहीं क्या हो गया इसको आज, तो कह रहे नहीं जाएंगे, वापस चलते हैं हॉस्टल में जाके बैठते हैं आराम से। और आज न्यू ईयर ईव भी है, तो हमें तो लग नहीं रहा कुछ माहौल होगा हमारे हॉस्टल में। ऑल्सो हमें अपना हॉस्टल भी चेंज करना है, तो अभी वो भी बुक करना है। तो अभी यहाँ से बोट लेते हैं और पहुँचते हैं हॉस्टल, थोड़ा आराम से वहाँ पे चाय शाय कॉफ़ी शॉफी पियेंगे और फिर नया हॉस्टल बुक करके वहाँ निकल लेंगे। हमारा बोट का पास तो 8 बजे तक है ना, तो 8 बजे तक, अभी 4 ही बजे, 4 घंटे हैं। तो शायद अब हमें देखा था हमने कि इस जो वेनिस का जो ओल्ड टाउन है ना, हम वहाँ पे रुके हुए थे, तो वहाँ पे कोई हॉस्टल और अवेलेबल है नहीं, है तो बहुत महंगे महंगे हैं। तो हमने अब मेन लैंड जो इधर इटली का मेन लैंड है, जो मतलब इधर आइलैंड है सारे वेनिस वाले जो भी छोटे छोटे, और मेन लैंड पे एक हॉस्टल मिला है $20 का, $20। हाँ तो वो बुक करेंगे और फिर वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, कुछ दिन रुकेंगे, देखते हैं क्या कैसे माहौल बनता है। और मेरे को 5 तारीख को पहुँचना है बार्सिलोना, क्योंकि वहाँ पे मेरा इंटरव्यू है चिली के कंसुलेट में। तो क्योंकि आपको पता ही है कि हम इसके बाद यूरोप के बाद कुछ टाइम स्पेंड करके, अभी लेकिन 1 महीना तो है, 3 हफ्ते तो हैं अभी और यूरोप में, और उसके बाद फिर हम निकल जाएंगे साउथ अमेरिका के लिए। वीडियो ख़त्म करते हैं, आपको पसंद आई होगी तो बताना कमेंट में, और कर दो सब्सक्राइब वगैरह यार। तू बोल, डॉक्टर बोल दे यार, क्या तेरे बोलने पे कर दे लोग, कर दो सब्सक्राइब मेरा चैनल।
तो बाकी ठीक है, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो @the_punjabi_wanted. I'll see you in the next one. Bye. Kiss a date and flow. It went this way.